हेलो फ्रेंड्स, कोकोनट मूंगफली की चने अरहर की ये लाजवाब बहुत ही टेस्टी दाल झटपट बनाते हैं। चले आइए मेरी रसोई में। फ्रेंड्स, दाल में मैंने चने की दाल ली है एक कटोरी और एक कटोरी ली है अरहर की दाल। दोनों को अच्छे तरह धोकर हम भिगो देंगे। हमें चाहिए थोड़ी सी मूंगफली, नारियल चाहिए एक टुकड़ा, इतना बड़ा टुकड़ा इसको हमने कद्दूकस कर लिया है, थोड़े से खड़े मसाले, एक प्याज को बारीक काट लिया है, अदरक लहसुन को हमने बारीक बारीक काट लिया है, हरी मिर्च को काट लिया है, राई चाहिए थोड़ी सी, हींग चाहिए, कुकर ले लिया है और कुकर में मैंने डाला है थोड़ा सा नारियल का तेल। एक चम्मच नारियल का तेल डालेंगे हम इसमें और हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, और जैसे ही ये चटकने लगता है जीरा हम इसमें खड़े मसाले डाल देंगे। मैं डाल रही हूँ इसमें तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बस इसको डाल देंगे और इनको सेक लेंगे। अब इसमें फ्रेंड्स मैं आधी कटोरी मूंगफली के दाने डाल रही हूँ। ये कच्ची मूंगफली है, अगर आपके पास टोस्टेड है तो आप ऐसे ही डाल सकते हैं। ये है और इसको हमें इसमें हल्की आँच पर थोड़ा सा सेक लेना है। फ्रेंड्स, ये चटर पटर बोलने लगेगी मूंगफली और हमें इसमें थोड़ी सी राई डालनी है। एक चम्मच राई डाल दीजिए, यानी कि सरसों के दाने, ये भी चटर पटर बोलने शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही ये चटर पटर बोलने शुरू हो जाएंगे ना, हम इसमें डाल देंगे प्याज, ये कटी हुई एक बड़ी प्याज है, आप इसमें पूरी प्याज डाल दीजिए और इसको थोड़ा सा लाल होने तक भून लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, प्याज का रंग जैसे ही गुलाबी होना शुरू होता है हम इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च डाल देंगे और इनको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें जो हमने नारियल का टुकड़ा इतना बड़ा कसा था ना, उसमें से आधा नारियल हम इसमें अभी डाल देंगे और इसको हमें ज़्यादा सेकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस अब हम इसमें ही दाल डाल देंगे जो हमने धुली थी। फ्रेंड्स, इतनी बड़ी कटोरी मैंने दाल ली थी चने की और इतनी ही अरहर की, ये दो कटोरी दाल है जो भीग कर इतनी हो गई है। अब मैंने ये दो टमाटर पीसे हैं और इसको मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसी में पानी डालकर इसको हिलाकर अच्छे से पानी डाल दूंगी। फ्रेंड्स, इसमें चार कटोरी पानी डलेगा। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी नमक, इसमें आप स्वादानुसार सेंधा नमक डाल दीजिए, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और इसको सीटी लगा लीजिए, तीन या चार सीटी इसमें आएंगी। फ्रेंड्स, बस अब इसमें हम तीन सीटी आने देंगे। हेलो फ्रेंड्स, तीन सीटी आ गई हैं और मैंने गैस बंद कर दी थी। हम इसको कुकर को खोल देते हैं, इसमें से ये पत्ता निकाल देते हैं। अब इसमें लगाएंगे हम छौंक, थोड़ा सा नारियल का तेल ले रही हूँ मैं एक चम्मच, उसमें एक चम्मच राई के दाने आप चटका लीजिए, दो तीन लाल मिर्च डाल दीजिए या हरी मिर्च। फ्रेंड्स, मैंने यही कोकोनट जो है ना, इसी को निचोड़ कर थोड़ा पानी डालकर ये कोकोनट मिल्क बनाया है। आप चाहें तो एक चम्मच कोकोनट मिल्क इसमें डाल सकते हैं, इससे होगा ये कि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा दाल का। ये नारियल का बुरादा जो कि अभी हमने कसा था, अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, जिससे कि इसमें बहुत ज़्यादा खुशबू आ जाएगी। मैंने सूखा धनिया इसमें इसलिए नहीं डाला क्योंकि मुझे ताज़ा हरा धनिया इसमें डालना था। अब हम इसमें डालेंगे आधा नींबू का रस, थोड़ा सा गरम मसाला और ये राई का जो छौंक बनाया था ना हमने, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। छन छन की आवाज़ आ रही है ना, ये बहुत अच्छी खुशबू आएगी इससे। फ्रेंड्स, दाल बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, इस तरह की दाल जरूर बनाइएगा। मैं कहती हूँ कि ये दाल जो भी खाएगा बाग बाग हो जाएगा और हमेशा बार बार आपसे पूछेगा कि बनाया क्या है और कैसे बनाया है, जरूर हमें बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि इसी तरह की रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। बहुत जल्द मिलते हैं वर्षा की रसोई में।